प्लीज 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 चिल्लाइए मत, प्लीज मारा यकीन कीजिए आप कुछ नहीं करेंगे आपको। क्यों नहीं चिल्लाऊं मैं? आपके बारे में बात कर इतनी तकलीफ होती है, मेरे परिवार वालों को इतना दर्द होता है, आपके नाम से भी तकलीफ पहुंचती और आप कहते हैं मैं चुप रहूं? मैं सबको बता दूंगी आप यहाँ पर है। ठीक है तो आज यहाँ पर हम अपनी जान ले लेंगे और जाने देंगे तुम्हारी मासी माँ और अपनी नीलू को भी। शादी हुई थी लेकिन उसने धोखा दे दिया। सब तो बहुत खुश थे कि चलो एक दिन माँ बाप की बच्ची का ब्याह हो गया। सभी मुझे बधाइयां दी कि मैंने अपनी बहू की बहन का घर बसाया। सालों बाद ऐसा लगा कि हमारी घर में फिर से खुशियां लौट आई, लेकिन ये सारी खुशी सिर्फ एक रात भर की थी। मतलब क्या हुआ था दादी माँ? शादी की पहली रात के बाद नीलिमा की जिंदगी का वो सवेरा रोशनी के बदले अंधकार ले आया। वो धोखा देकर चला गया। वो धोखा नहीं, मजबूरी थी हमारी, नहीं भूले। हमारी जिंदगी की पहली रात थी, नीलू दुल्हन के लिबास में हमारे सामने खड़ी। उसने उस रात सिर्फ नीलिमा के जेवर और पैसे नहीं चुराए, उस दरिंदे ने नीलिमा की आत्मा को भी चुरा लिया। उसने उस रात नीलिमा के साथ हार मेरी माँ का है, मैं हमेशा से बहुत पसंद था। माँ कहती थी जब तेरी शादी होगी ना तब मैं तुझे ये दूंगी, लेकिन जब दीदी की शादी हुई तो मैंने ये हार दीदी के पास देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन पता है दीदी ने इसे कभी नहीं पहना, और जब मेरी शादी हुई तब मुझे पहनाया, कहा कि माँ को शायद आभास हो गया था कि मेरी शादी के वक्त माँ नहीं रही, इसलिए दीदी को दिया कि जब नीलिमा की शादी होगी उससे जरूर पहनाना। नीलिमा, नीलू, बेटा, क्या हुआ? बेटा, नीलू, कुछ कुछ बोल बेटा, कुछ बोल। नीलिमा, मम्मी।
नर्मदा, क्या हुआ इसे? बेटा बोल, क्या हुआ बेटा? बोल कुछ। नीलिमा को पड़ोसियों से पता चला कि गौतम उसके परिवार वालों ने वो जगह एक महीने के लिए किराए पर ली थी और उसी दिन अपना सारा सामान समेट कर वो वहां से चल दिए। मैं आपका यकीन नहीं कर सकती। क्यों विश्वास करूं आप पे? क्या सबूत है आपके पास? आपकी आपकी बातों के अलावा कैसे विश्वास करूं आप पर? हमने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया और हमें उसकी सजा भी मिली, लेकिन हमारे अच्छे बर्ताव की वजह से हमें जल्दी रिहा कर दिया गया और ये सब कागजी कार्रवाई में दर्ज हुआ। रही बात हमारी सच्चाई की, तो उसके सबूत हम खुद हैं। आप चाहे तो उन पांचों महिलाओं से मिल सकती हैं जिन्हें हम नीलू से पहले मिले थे। उनमें से किसी के भी साथ हमारे पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं। हमारा यकीन मानिए, हमें सिर्फ और सिर्फ नीलू से प्यार है। यारुषि पानी लेने गई थी, कहाँ रह गई? हम कसम खाकर कह रहे हैं कि हम नीलू के साथ वो जीवन जीना चाहते हैं जिसकी कसमें हमने अग्नि के साथ पेरे लेते हुए खाई। हम उन्हें उन गुजरे हुए 18 सालों की खुशी वापस लौटाना चाहते हैं, तो हमने उनसे छीन ली। हम उन्हें खुश देखना चाहते हैं और इसमें सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि उसकी कोशिश की झलक हमने आप में देखी। मतलब? मतलब ये कि हमें लगता है कि आप ही हम पर विश्वास कर सकते हैं। नहीं, मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। ऐसा मत कहो बेटा, इस डूबते हुए के लिए तिनके का सहारा हो तुम। सोचो, तुम्हारी सभी सासों में मासी सास का भविष्य का सवाल है। हम उनका भविष्य सवाल देंगे, ये वादा है हमारा। बस समय एक मौका और दिलवा दो प्लीज। अब क्या कह रही, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।